बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 ग्रेजुएशन को। इसको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कॉमनली जो आपकी स्टोरी सुनी होगी न्यूटन की, कि वो किसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ था तो उसने सोच रहा था कि कैसे जो प्लैनेट्स हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, तो एक जो सेब है वो उसके ऊपर आप गिरा तो उसने सोचा कि देर मस्ट बी अ फोर्स जिसने इसको नीचे गिराया, कि कोई फोर्स इस पर लगी है। उसने इस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम दिया। अब हम उसी लिहाज से ग्रेविटेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी जी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, उसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस बेस पे उसने एक लॉ प्रपोज किया जिसने एक लॉ दिया 1665 में, जिसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इसमें है क्या जी, वो कहते हैं स्टेटमेंट में एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट। किसी भी यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट है उसके और दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है जी, वो किसी फोर्स से दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। यह था जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसका। इसके स्टेटमेंट में एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज एंड यूनिवर्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्रिएट करने आप। यानी कि इसके मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो वो कहते हैं जी जो फोर्स है वो इक्वल होती है जी, जो अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ वो इक्वल होगी जी प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। यानी कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एम वन कह रहे हैं इसको, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है इसको एम टू कह रहे हैं। इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन के ये इस तरफ इसको एफ वन कह रहे हैं और ये इस तरफ लग गई जी एफ टू। इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होगी जो इक्वल होगी जी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैसेज दोनों एम वन और एम टू के इक्वल होगी फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि कितने ज्यादा मैसेज डायरेक्ट का दोनों का रिलेशन डायरेक्टली रिलेशन है। यानी कि मैसेज जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा फोर्स इंक्रीज होती जाएगी। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसका कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के, यानी कि इन दोनों के चंद्र के दरमियान जो डिस्टेंस है यहाँ पे इसका सेंटर है मास वन का, यहाँ पे मास टू का, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है आर स्केल। अब आप कह सकते हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आर स्केल। यानी कि फोर्स जो भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैसेज प्रोडक्ट ऑफ मैसेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्केल। सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के मैसेज का आपस में वो उसके स्केल पे इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब सिंपली आप इसको मर्ज करते हैं
ये मैथमेटिकली इसका जो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1, M2, इनके प्रोडक्ट और मैसेज, इनके दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मैसेज M1 और M2 है, यहां पर हमने लिए हुए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये थी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फॉर्म, इनके फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट और मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम। उसके बाद आपने अगले कॉस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना है यहां से। तो यहां पे जो आपने रिलेशन इसका खत्म करना, तो f इज इक्वल टू आएगा g, यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसे कहते हैं g को, m1 m2 और r से, यानी कि इसको खत्म करके आपने इक्वल से आगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारा g आएगा। g बेसिकली इसको हम कहते हैं कि इसके वैल्यू जो है सिंपली g इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है g की, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसकी वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये अपने वैल्यूज की याद रखनी है, 6.67 मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वही ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है बेसिकली, ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि जो स्पेस और रीजन, रीजन जो अराउंड है किसी भी, यानी कि अगर व्हील को देख लीजिए जहां पे इसकी, इसका जो रीजन है जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो इसकी आप कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कि उसी के अंदर रह के उस किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। सिंपली आप की कंपनी है यहां पे इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी, यहां तक ये इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी शीट में प्रेजेंट है, तो आप कह सकते हैं कि ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कि जहां जिसके अंदर रह गई अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो जब आप अर्थ से अवे मूव करेंगे तो ये वीक होती जाएगी, जैसे जैसे आप अर्थ से अवे मूव करेंगे किसी ऑब्जेक्ट से, आप जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को आपने डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप अर्थ से अवे मूव करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी वो विकर होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएंगे, आपको वहां पे ग्रेविटी बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगी, यानी कि आप सीधे स्पेस में, आप कह सकते हैं स्पेस में देयर इज नो ग्रेविटी। अब इसके बाद वो कह रहे हैं जी अर्थ के एग्जांपल में इसमें न्यूटन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको मैथमेटिकली आप कह सकते हैं एम ई, यानी कि मैथ ऑफ मैथ ऑफ अर्थ, एम ई जो है मैथ ऑफ अर्थ, और एम जो जो ऑब्जेक्ट वहां पे है अर्थ पे या किसी भी जिस पे फोर्स लग गई है जिसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। उसके बाद आर जो रेडियस ऑफ अर्थ, और ई यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आप अर्थ का निकालें तो एफ इक्वल टू जी एम ई एम और आर ई स्क्वायर। ये जो एम ई है कैपिटल एम ई रिप्रेजेंट मैस मैस ऑफ अर्थ, और स्मॉल एम मैस ऑफ ऑब्जेक्ट,
उसके बाद है आर की रेडियस ऑफ अर्थ, जैसे सिंपली आपने कहना है देखना ये कि ग्रेविटेशन फील्ड किसी भी ऑब्जेक्ट अर्थ को छोड़ के बाकी ऑब्जेक्ट्स की भी ग्रेविटेशन फील्ड जो है जिसके अंदर रह के जिस रीजन के अंदर रह के वो कोई भी फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी तक किसी चीज को कैच किया वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। उसके बाद है जी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ देना है इसको। डिस्टेंस स्केल यानी कि आर स्केल
अब इस फॉर्मूले में आपने सिंपली वैल्यू को पुट करना है, F is equal to G, M1, M2 और R3. कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी G की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब आपने यहां से सिंपली G की वैल्यू को भी समूह में पुट करना है. F is equal to G 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 प्रोडक्ट ऑफ मैसेस इनके मैस हम M1 है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई M2 वैल्यू 100 और डिस्टेंस के लिए 0.5 मीटर हमने निकाला 0.5. इसको आपने सिंपली कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करके जो इसका आंसर आएगा 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर F इज इक्वल टू 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 न्यूटन. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आएगी 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 न्यूटन. ये था हमारा आज का लेक्चर. एग्जांपल को भी हमने सॉल्व कर लिया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.